बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम सेवन मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास के फाइंड द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका आपने सरफेस, टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। व्हेन द सरफेस ऑफ इट्स सर्कुलर बेस इज 44 सेंटीमीटर, जब कि आपको सरफेस दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। उसने आपको एक सरफेस दिया है और दूसरा आपको दिया है हाइट। तो वो कह रहा है कि आपने एक चीज फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है और दूसरा आपने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। आपने सरफेस एरिया, आपने टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है सरफेस हमें दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने सरफेस का हमने फार्मूला लगाया c = 2πr। तो वो कह रहे हैं कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है आपके पास के पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, पाई की कीमत आपको पता है 3.14 × 22/7। आर जो है वो आपके पास नहीं है, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ, एच आपको दिया हुआ है, आपको आर भी दिया हुआ और वॉल्यूम भी आपके पास नहीं है। तो आप वॉल्यूम का फार्मूला नहीं लगा सकते। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसमें भी आपके पास आता है 2πr × h + r। अब आपके पास जो है वो सरफेस एरिया, ये भी आपने फाइंड करना है और r भी आपने फाइंड करना है, इसलिए आप ये भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आपने फिर ऐसे करना है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सरफेस, तो आपने सरफेस का ही फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। उसके बाद आप फाइंड कर लें सरफेस एरिया पहले फाइंड कर लें या आप वॉल्यूम पहले फाइंड कर लें। तो सरफेस का फार्मूला आपने लगाना है c = 2πr। सी आपके पास है 44 सेंटीमीटर इक्वल है 2, पाई की कीमत आपके पास आ गया 3.14 और मल्टीप्लाई आर वैसे का वैसे आ गया। तो 44 इक्वल आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ गया 6.28 × r। अब आपको पता है कि अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे साइड पे आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 6.28 डिवाइड होगा 44 पे इक्वल टू r, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास r इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास r आ गया तो आपको पहले वॉल्यूम का फार्मूला लगा लें या टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की मतलब 22/7, इसकी जगह पे आप 3.14 भी लिख सकते हैं। r आपके पास आ गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई में 7 सेंटीमीटर इसकी पावर 2 है, तो आपने इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है खुद से, मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर, तो ये 7 से कैंसिल हो गया। अब 1, 2 और 3 इन 3 टर्म को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 50-40 सेंटीमीटर का क्यूब। और आपने याद रखना है कि एरिया का आपके पास आंसर स्क्वायर फॉर्म में आता है, और जब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपके पास आंसर आएगा क्यूब फॉर्म में आएगा। तो पहला हमारे पास पार्ट हो गया, वो कह रहा है कि वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल है इसका फार्मूला 2πr × h + r। जब भी आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है टोटल, तो उसका फार्मूला ये है आपके पास। तो 2 फार्मूले का और पाई की कीमत है 22/7 और आपके पास आया है 7 सेंटीमीटर, ये जो आपने फाइंड किया है, और इनटू h, h आपको दिया है क्वेश्चन में आपके पास है 10 सेंटीमीटर हाइट, प्लस r आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर, ये 7 से कैंसिल, 22 × 44 और इन दोनों को प्लस करेंगे 17 सेंटीमीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 748 सेंटीमीटर का स्केयर आ गया। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करी थी, एक हमने वॉल्यूम फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर लिया, और दूसरा हमने सरफेस एरिया फाइंड करना था वो भी हमारे पास 748 सेंटीमीटर का स्केयर आपके पास सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट
आपकी कर्व सरफेस ऑफ अ पिलर कि एक पिलर है कर्व सरफेस में है, कर्व सरफेस में एक पिलर है उसको आपने पेंट करना है, उसकी आपने कॉस्ट फाइंड करनी है व्हिच इज 6 मीटर हाई जबकि वो 6 मीटर जो है वो ऊंचे एंड इट्स डायमीटर इज 1.4 मीटर जबकि उसका डायमीटर 1.4 मीटर है एट द रेट ऑफ रुपीस 350 पर मीटर स्केल के हिसाब ने के हिसाब से आपने एक कर्व सरफेस का एक पिलर है उसको आपने पेंट करना है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी लगेगी। तो हमें गिवन दी है हाइट, हमें गिवन दी है 6 मीटर, हमें हाइट गिवन दी है। अब वो कह रहा है डायमीटर आपको दिया 1.4 मीटर, जब आपको डायमीटर दिया तो आप उसके हिसाब से फाइंड क्या कर लें रेडियस ऑफ फाइंड कर लें। डायमीटर का फार्मूला है d = 2r, d आपके पास है 1.4 मीटर इक्वल टू 2r, वैसे के वैसे r के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरे पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो r आपके पास आ जाएगा 0.7 मीटर, आपके पास क्या आ गया r आ गया। अब वो कह रहे हैं कि आपने पेंट करना है इस हिसाब से कितनी कॉस्ट है वो लगेगी। तो कर्व सरफेस ऑफ अ पिलर कि जो कर्व आपके पास होता है कोई भी चीज कर्व होती है तो उसका फार्मूला आपके पास आ जाएगा 2πrh, आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है तो 2 आपके पास आ गया फार्मूले का, पाई कितना आपके पास 22/7, r आपने अभी फाइंड किया 0.7 मीटर और h h आपको दिया हुआ है पैसे में गिवन दिया हुआ है 6 मीटर। अब आपने ऐसे करना है इन चारों को आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 184.8 मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय 7, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26.4 मीटर का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया के कर्व सरफेस ऑफ अ पिलर। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इस अमाउंट के हिसाब से जो आपके पास पिलर है उसको आपने पेंट करना है उसकी अमाउंट जो है वो कितनी लगेगी। तो आपको पता है कि एक चीज की कीमत आपने फाइंड करनी है तो आप डिवाइड करते हैं, अगर आपने ज्यादा चीजों की कीमत फाइंड करनी है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास एक चीज की कीमत आ गई, हमने ज्यादा की फाइंड करनी है तो आपने उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है कि जो आपके पास कर्व सरफेस जो भी आपके पास आया है उसको आपने जितनी अमाउंट दी हुई है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इस हिसाब से आपने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है तो 350 मीटर स्क्वायर है तो ये आपका कॉस्ट आ गया है कि कर्व सरफेस, ये है मल्टीप्लाई का कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मीटर स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएंगे तो लास्ट में 26.4 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 350 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 9240 के 9240 इस जो आपके पास पिलर है उसको जो आपने पेंट करना है उसकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी 9240 रुपये अमाउंट आ जाएगी। थैंक यू।